शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चाकू मारा है, पेट पे घाव है, उसकी जेब में देखो, शायद पर्स है। देखो कोई आई कार्ड या विजिटिंग कार्ड वगैरह है क्या? ये आदमी फोटोग्राफर है सर, नाभीश नाम है इसका। नाभीश? इस पर फोन नंबर लिखा हुआ है। दया सर, फोन करके घर वालों को बुलवा लो। यस सर। हेलो हेलो मैडम, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ एचसीबी हार्ड कैश के एटीएम सेंटर के सामने से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली। सर, इन्होंने देखा है, ये कुछ कहना चाहते हैं। करो मत, बताओ, जाती तो बताओ क्या हुआ। एक बात है, इन लोगों ने लाश को यहाँ क्यों फेंका? बिल्कुल एटीएम के सामने। अरे अभिजीत, ये देखो, मालूम है ना क्या है? कैमरा है सर। वॉचमैन? यस सर। ये कैमरा चलता है ना? जी हाँ सर, ये कैमरा चलता है। एटीएम के बैंक में फोन करो, उनसे कहो कि हमें इस कैमरा की डिस्क चाहिए। ये कैमरा ऑटोमेटिक होता है, जब भी कोई आदमी बैंक के अंदर आता है ये कैमरा ऑन हो जाता है। सर, ये लड़की बैंक में थी जब लाश फेंकी गई थी? हाँ,
इस कैमरा से हम देख सकते हैं कि लाश किसने फेंकी है। ये क्या सड़क यहाँ से दिख रही है? लाश भी दिख रही है सर। हाँ नाविश की वाइफ है। आपके पति का कोई दुश्मन था? नहीं, ये तो बहुत खुश थे जब घर से चले। कितने बजे निकले थे वो घर से? 8 बजे। 8 बजे जब इन लोगों ने लाश को यहाँ फेंका था, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है एटीएम, उससे सब पता चल जाए। सर मैं चंदावत नाम के कंप्यूटर एक्सपर्ट को जानता हूँ, ये कैमरा वहाँ ले जाए। ठीक है। अच्छा हुआ आप लोग सीधे मेरे पास चले आए, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स हैं जो इस एटीएम कैमरा के सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब जल्दी से दिखाओ क्या है इस छोटे से कैमरा में। ये सारी फाइल्स अब डाउनलोड हो ही गई हैं, ये बस शुरू हुआ ही हुआ। 10 और 12 बजे के बीच में क्या हुआ वो दिखाओ। ये लो। ये एक आदमी आया, टाइम क्या है 10:45 11:15। सड़क दिख रही है, सड़क खाली है। ये निकल गया। ये कैमरा रुक गया, ये फिर चला कैमरा, ये वॉचमैन उठ के जा रहा है। टाइम है 11:45 12:15। ये लड़की आई, वही लड़की है। टाइम है 11:47। इतनी रात को अकेली? पीछे देखो, पीछे देखो, वो वैन है। ये बॉडी फेंकी और वैन निकल गई। 11:48 11:48 को फेंका गया उसे। वापस दिखा, रिप्ले करो। कैमरा इससे बहुत दूर है गाड़ी। फेंकने वाले का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। प्लीज देख भाई चंदावत, तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे यह दिखाई पड़े कि आदमी कौन है जिसने गाड़ी में से लाश फेंकी है। मतलब जूम करके देखूं? हाँ देखो देखो, कोशिश करता हूं। देखिए आप बोलिए मत, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। अगर आप खूनी को पकड़ भी ले तो क्या मेरा हस्बैंड वापस आ जाएगा? वापस कैसे आ सकता है? देखिए अब जो हो गया सो हो गया, अब तो आप किसने मारा होगा उनको? देखिए वही तो देखना चाह रहे हैं हम लोग। कुछ हो जाएगा ना, चेहरा दिखेगा ना? हाँ दिखेगा। कब दिखेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे भी देखना है उसका चेहरा। देखिए हम आपके घर चल के देखना चाहेंगे, शायद कुछ। चलिए हमारा घर और स्टूडियो साथ साथ ही है। ये है स्टूडियो। क्यों मारा किसी ने मेरे नवीश को? वही तो ढूंढने आए हैं हम। एक बार ये पता लग गया कि क्यों मारा होगा तो फिर खूनी जल्दी मिल जाएगा। आपको अंदर देखना है घर में? कुछ सामान है क्या नवीश का यहाँ पे? मेरा मतलब है कोई प्राइवेट पेपर्स वगैरह जिससे कुछ पता लग सके। पता नहीं, अब देख लीजिए। ठीक है प्रेडिक्ट सुधाकर जाओ अंदर जाके चेक करो। आशा दया तुम लोग सब फोटोग्राफ चेक करो या फिर सब फोटोग्राफ अपने साथ ले चलो। यस सर। चलो आप नहीं जाएंगे अंदर? जाइए ना। शायद इन नेगेटिव्स में कुछ मिल सकता है। Thank you.
कुछ मिला है क्या? क्या जब भी किसी फोटोग्राफर का खून होता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि उसके पास कोई ऐसी फोटोग्राफ है जिसकी वजह से किसी आदमी की जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, और जिंदगी खराब ना हो इसलिए पैसे देने पड़ेंगे, पैसे। मतलब सर ये नाबिश किसी को ब्लैकमेल कर रहा होगा? हाँ, हो सकता है, इसलिए मैंने उसकी वाइफ को अंदर भेजा है। खून हो गया दया, खून तो कोई बड़ा कारण ही होगा ना। सर, सब फिल्में भी उठा के चलते हैं। सब ले लो, और जो डेवलप नहीं हुई है वो भी ले लो, और देखो कैमरा में फिल्म है कि नहीं। नहीं है सर। देख, ये क्या है? बाकी फोटो, शायद ये फटी हुई फोटो किसी को भेजी गई है। नंबर लिखा हुआ 4789110 डायल करके देखो। 4789110 हेलो, आप 4789110 से बोल रहे हैं? हाँ, मैं नाबिश के स्टूडियो से बोल रहा हूँ। क्या पैसे दिए हैं? कौन से पैसे? नहीं नहीं, हमें पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। देखो मैं CID से बोल रहा हूं। सर ये आदमी बोल रहा है कि इसने नाबिश को बहुत पैसे दिए हैं, ये रो रहा है सर। मैं तंग आ गया सर, ये नाबिश मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उस दिन मेरे से 10 लाख रुपए लेके गया। कितने बजे? 9 बजे रात को। 9 बजे लेके गया और करीब 11:45 बजे वो मर गया। वो 10 लाख रुपए तो उसके पास थे नहीं। ये नाबिश तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? अब मैं क्या बताऊं सर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। दरअसल मेरी एक बहुत अमीर लड़की के साथ शादी हुई है। ये घर, ये सारा पैसा, सब कुछ उसी का है। तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और नाबिश को उसका पता चल गया है ना? हाँ, और उसने पता नहीं न जाने कहाँ से मेरी फोटो खींच ली उस लड़की के साथ, और वो फोटो आधी फाड़ के मेरे पास भेज दी। तब से वो मेरे से पैसे लेता जा रहा है। जरा वो फोटो दिखा। ये इसमें सर एक रिक्वेस्ट है, ये फोटो मेरी वाइफ को मत दिखाना प्लीज, नहीं तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, मैं फिर से भिखारी बन जाऊंगा। सर प्लीज मत दिखाना उसे। दया, ये तो उसी फोटो का टुकड़ा है जो हमें स्टूडियो के कैमरे में से मिला है। जरा मैच करके देखो। सर आशा, वही है सर। मैं पैसे दे देकर मर गया सर। पैसे लेने वो आदमी खुद आता था? नहीं, खुद तो उसी दिन आया जिस दिन वो मर गया, नहीं तो वो एक आदमी को भेजता था मुंजी पार्क में। मैं रात को पैसों के बैग लेके वहां जाता था, फिर वो आदमी वहां से पैसे ले जाता था। उस आदमी को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ। ACP प्रद्युमन या? हाँ चंदा, क्या हुआ? बन गया? वेरी गुड, साफ साफ दिखाई दे रहा, सुपर्ब। ठीक है, हम वहां आते हैं। ओके, जिस आदमी ने नाबिश को वैन में से फेंका उसका फोटो बन गया है, अब वो नहीं बच सकता। CID के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैंने उस वैन वाले का चेहरा निकाल लिया है जिसने लाश फेंकी है, देखिए, और ये लीजिए, मैंने आपके लिए एक प्रिंटआउट भी निकाल दिया। तो ये है वो आदमी जिसने किया है ये सब। रात के समय हुआ ये, कहीं से तो आ रहे होंगे ये लोग। ऐसा करो, आसपास के सब होटल्स, बार्स छान मारो, पान वालों से भी पूछो, सबसे पूछो, एक को भी मत छोड़ो। किसी ने तो देखा होगा इन्हें। अरे भाई सुनो जरा। हाँ? ये बार अभी तक बंद क्यों है? 3 बज रहे हैं। बार बंद है भैया, 6 बजे खुलेगा। 3 बजे दारू नहीं मिलेगी, कहीं और जाके पियो। अरे नहीं नहीं, दारू वारू नहीं चाहिए। ये बताओ, ये बार रात को 11:30-12 बजे तक खुला रहता है? हाँ खुला रहता है। क्यों?
खुला रहता है। अब जरा ये देखो, इस आदमी को पहले यहाँ कभी देखा है? हाँ, कहीं देखा हुआ सा तो लग रहा है। कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, वेरी गुड। अब ठीक से देखो, अब ये बताओ कि ये आदमी कल रात को यहाँ पे आया था क्या? हाँ आया था। आया था सुबह? कल रात को मैंने ही बियर दी थी उसे। तुमने बियर दी थी? हाँ। अरे ये तो अक्सर यहाँ आता है, ये वही आदमी है जो अपने को पानी बेचता है। पानी बेचता है? ये पानी बनाने वाली कंपनी में काम करता है, जब भी आता है अपनी कंपनी का पानी बेचने की कोशिश करता है। कौन सी कंपनी, कुछ मालूम है? हाँ अभी बताता हूँ, एक मिनट। प्योर वाटर कंपनी, बस प्योर वाटर कंपनी चलते हैं। बस। यस। जरा ये फोटो देखो, ये आदमी यहाँ काम करता है? ये? हाँ? हाँ ये तो सुखेत जी है, ये हमारे रीजनल मैनेजर है। रीजनल मैनेजर? जी। रीजनल मैनेजर? जी। ये अभी है कहाँ पे? ये वहाँ क्वालिटी चेकिंग सेक्शन में। चलो दिखाओ जरा। चलो आइए। 1.5 सर। 2.7? इतना ज्यादा क्यों? यस। ये फोटो तुम्हारा है ना? ये आपके पास कहां से है? और बड़ा अजीब दिख रहा है फोटो। ये बड़ा अजीब इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रात में लिया गया है एक छोटे से कैमरे से। बट मुझे बिना बताए क्यों खींची फोटो? तुम्हें खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलो। गिरफ्तार? What nonsense? तुम कल रात सोनू बार गए थे ना? आपको इससे क्या मतलब? और ये फोटो कहां से आया? तुम चलो हमारे साथ। Don't touch me. मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? मैं मानता हूँ मैं कल सोनू बार गया था, वहां मैंने एक दो पैक भी पिए। फिर उसके बाद? उसके बाद मैं देशमुख रोड से होते हुए घर चले गया। देशमुख रोड से ना? देखा सर, देशमुख रोड पे ही वो एटीएम है जिसके कैमरे ने तुम्हें पकड़ा है। कैमरे ने? हाँ। नाभिश का खून क्यों किया? खून? ये क्या कह रहे हैं आप सर? मैंने कोई खून नहीं किया। ये नाभिश कौन है मैं जानता तक नहीं। तो फिर कैमरे में कैसे आया तुम्हारा चेहरा? पता नहीं सर। पता नहीं? तुम्हारे पास एक सफेद रंग की वैन है? मेरे पास एक दूसरी बड़ी कार भी है। वैन है ना? वैन? जी हाँ। वैन में से लाश फेंकते हुए कैमरे ने तुम्हें देखा है। मैं एक रीजनल मैनेजर हूँ, मैं खून कैसे कर सकता हूँ? जब आदमी फंस जाता है ना तो कुछ भी कर सकता है, रीजनल मैनेजर हो या आम आदमी, सब शैतान बन जाते हैं जब दिमाग में खून घुस जाता है। ब्लैकमेलिंग करते करते कुछ हो गया होगा। और जाकवा ने कहा होगा कि अब अगर पैसे मांगेगा तो पुलिस में चला जाऊंगा, यही हुआ है ना? मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए सर, पैसे चाहिए हो तो मैं अपने पापा से भी ले सकता हूँ। पापा से? वो भी मिले हुए हैं इसमें? वो क्यों मिले होंगे? वो तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। कौन? मिस्टर थीमराज। थीमराज? तुम उनके बेटे हो? जी हाँ। मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए इसलिए मैं अपने पैसे अपने आप कमाता हूँ, मुझे ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत है? मगर कैमरे में दिख रहा है कि तुम लाश फेंक रहे हो गाड़ी से बाहर। एसीपी साहब, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है, आपको बहुत पछताना होगा। कैसा है तुम? आपको अगर पता लगे कि आपके बेटे ने क्या किया है तो आपकी हवा निकल जाएगी। क्या किया है इसमें? खून। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। यही नहीं, जिस आदमी का खून हुआ है वो एक फोटोग्राफर था, और शायद आपका ये बेटा और वो फोटोग्राफर दोनों मिलकर एक जाकवा नाम के आदमी को ब्लैकमेल कर रहे थे। उससे काफी पैसे ले चुके हैं ये लोग। क्या ये सब बातें सच हैं बेटा? नहीं पापा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आपको देखना है? दिखाइए क्या है आपके पास। फोन करो चंदावत को। सर। नॉनसेंस, उठा ही नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं गया?
सारे कंप्यूटर जल गए, हमारा सबूत भी जल गया, वो कैमरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर चाकू मारा है। सर इस खून का संबंध नाभीश के खून से ही है। किसी को पता चल गया था कि नाभीश के खूनी की फोटो इस कंप्यूटर में बंद है। और कौन है? वही टीमराज, वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सर कंप्यूटर जलाने का मतलब है किसी को मालूम पड़ गया था कि चंदावत ने चेहरा बना दिया है और वो चेहरा इस कंप्यूटर में बंद है। सर जरा कंप्यूटर खोल के देखो, देखो हार्ड डिस्क अभी भी बची है कि नहीं। नहीं सर, अंदर कुछ नहीं है। शायद आग लगने से पहले चंदावत ने कंप्यूटर खाली कर दिया था। मतलब चंदावत को मालूम था कि अटैक होने वाला है? हो सकता सर, मगर किसी को यह कैसे मालूम हुआ कि हम यहां आए थे? सर डायरी मिली है चंदावत की, जल गई है फिर भी काफी नाम है इसमें। देखें डायरी में जितने भी नाम है सबको फोन करो एक एक करके। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। आपने किसी चंदावत? मेरा नाम एसआई आशा है जी। क्या आपने चंदावत का नाम सुना है? नहीं। हेलो, क्या आप जानते हैं उनकी मौत हो गई है? सीआईडी से, उन्हीं के बारे में बात करनी थी। आप किसी चंदावत को जानते हैं क्या? क्या नहीं जानते? आपका नाम उनकी टेलीफोन डायरी में मिला है। आपका बेटा था वहां पे जब नाभीश की बॉडी कार में से फेंकी गई। सबूत है हमारे पास। सबूत? सबूत तो सब खत्म हो गए ना, जल गए सब। अब जब सबूत ही जल गए तो केस भी खत्म है ना। वो तो देखना पड़ेगा कि सबूत जलाया किसने। जो फंसने वाला था उसी ने करवाया होगा ना ये। खैर वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। अब किसे मालूम क्या निकलेगा उस कंप्यूटर में से। अब आप मेरे बेटे को छोड़ने की तैयारी कीजिए। वो तो शायद हो नहीं सकता है। तो फिर एक काम और हो सकता है। वो क्या? आपने गढ़चिरौली का नाम सुना है? बहुत अच्छी जगह है ट्रांसफर। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी। हेलो मिस्टर संजय जागीर, क्या आपने चंदावत का नाम सुना है? सुना है, गुड। आपको मालूम है चंदावत के साथ क्या हो गया है? उसका खून हो गया है पीठ में चाकू मार के। आपको नहीं मालूम? आपका नाम उसकी टेलीफोन डायरी में मिला है। क्या कनेक्शन है आपका चंदावत से? सर चंदावत का खून भी चाकू से किया गया है। चाकू करीब 7 इंच लंबा होगा। सर जब घाव को अंदर से देखा गया तो पता चला कि ये घाव भी एकदम वैसा ही है जैसा कि नाभीश के शरीर में था। इससे मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों ही खून एक ही चाकू से किए गए हैं, शायद एक ही आदमी ने किए हैं। क्योंकि जिस ताकत से ये चाकू मारा गया है उससे चाकू शरीर के अंदर 5 इंच गया है। चंदावत के शरीर में भी 5 इंच और नाभीश के शरीर में भी 5 इंच। सर डॉक्टर बिंदा जब कह रही हैं कि दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं तो मतलब सुकेत तो खून ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब खून हुआ वो तो हमारे सामने ही बैठा हुआ था। हाँ मगर ये भी तो हो सकता है कि सुकेत का इन दोनों खूनों के साथ कोई तो रिश्ता है, कुछ तो कनेक्शन है। तुमने देखा नहीं उसका बाप किस तरह से कह रहा था कि अब सबूत ही नहीं बचा तो केस ही खत्म। मतलब पहले खून के बारे में डीमराज को मालूम है? ऑफ कोर्स मालूम था, उसी ने तो सब करवाया है जिससे चंदावत मारा गया और सारे कंप्यूटर जल गए। कंप्यूटर्स में सबूत था, सबूत। चंदावत मिला था आपसे? कब? आज सुबह ही। क्या कहा उसने? उसने आपको कुछ दिया है? क्या है मालूम है? एक पैकेट है, बंद है। अच्छा आप वो पैकेट संभाल के रखो और जहां हो वहीं पे टिके रहो, कहीं जाना मत, हिलना मत, समझे? आपने किसी को बताया तो नहीं ना कि पैकेट दिया है चंदावत ने? बताया है? माय गॉड, ठीक है हम लोग वहां आते हैं, आप वहीं रहो। ओके, देखो जान को खतरा हो सकता है, हम लोग वहां आ रहे हैं, घबराना मत और हिलना मत वहां से। ओके यार। क्या हुआ? सर ये चंदावत एक विनोद नाम के आदमी से मिला था। चंदावत ने उसे एक पैकेट रखने के लिए दिया है सर। पैकेट बंद है। पैकेट के अंदर क्या है
मालूम नहीं सर, ये अच्छा ब्रेक थ्रू है। सर मैंने तो सिर्फ चंद्रवत का पैकेट अपने पास रखा है सर, सर उससे मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? तुम्हें मालूम नहीं उस पैकेट में क्या है? नहीं सर। तो फिर रखा क्यों? ऐसे ही सर, उसने कहा कि इसको रख ले, मैं बाद में ले लूंगा, और साथ में ये भी कहा कि इसको संभाल के रखना, इसके अंदर लाखों रुपए हैं। लाखों रुपए? जी। वो पैकेट कहाँ है? जी दे दो। मैंने कहा भी उससे कि एक छोटे से पैकेट के अंदर लाखों रुपए कैसे आ सकते हैं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क, इसमें लाखों रुपए है। इसका मतलब है इसमें किसी के फोटो होंगे स्टोर किए हुए। चलो जल्दी से इसे कंप्यूटर में डाल के देखो। अरे अरे ये तो वही है, एटीएम कैमरा वाले शॉट्स। चंदावत कह रहा है कि इसमें लाखों रुपए हैं, तो जरूर कुछ छुपा है इसमें। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये निकाले पैसे हैं? देखा, पैसे गिने भी नहीं, चुपचाप जेब में रख के निकल गया। ये वॉचमैन जो कह रहा था कि वो टॉयलेट गया था, तुम्हें लगता है ये सही होगा? ये लड़की आ गई सर। नाविश को वैन में से बाहर फेंका गया। इसमें नया कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो दूसरा आदमी जो आया था वो गड़बड़ है सर। जरा रिमाइंड करो आशा। इसके ऊपर के पॉकेट में कुछ कुछ रखा हुआ है, जरा जूम करके देख सकते हैं। एनवेलप है, इसमें बाहर के देश की स्टैंप लगी हुई है, उसका नाम लिखा हुआ है। जरा और जूम करो। वर्सोवा, वर्सोवा लिखा हुआ है, नाम नहीं दिख रहा है। और बड़ा कर सकते हैं? नहीं सर, और बड़ा नहीं कर सकते, दूसरी मशीन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, हम एक और कंप्यूटर एक्सपर्ट के पास जाते हैं, बाजीराव के पास चलते हैं, मेरी जान पहचान का है। हाँ भाई, बात क्या है? यार एटीएम के बाहर एक लाश मिली है, एटीएम कैमरे में दिख रहा है कि लाश एक वैन में से फेंकी जा रही है, लेकिन लाश कौन फेंक रहा है ये नहीं दिख रहा है। एक चंदावत नाम के कंप्यूटर एक्सपर्ट को हमने ये दिखाया था, उसने ये आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी के शॉट को बड़ा करके इस आदमी का चेहरा हमें दे दिया जो ये लाश गाड़ी के बाहर फेंक रहा है। उसने ये चेहरा बना दिया है? जी हाँ। अच्छा कहाँ है, जरा देखो। इसे देख कर बनाए? हाँ। नहीं बॉस, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, ये फोटो इसमें से नहीं बनी है। ये जो आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है ये उसका फोटो नहीं है। मगर इस आदमी को तो हमने पकड़ा भी था ये फोटो देख के। हाँ, लगता है चंदावत ने आप लोगों का बेवकूफ बनाया है। और तुम तो जानते हो ना चंदावत को अच्छी तरह से। असर इतना जानता था कि वो एक माना हुआ कंप्यूटर एक्सपर्ट है, अब वो बदमाश निकलेगा ये किसे मालूम था। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि चंदावत ने इस फोटो पे किसी और आदमी का फोटो चिपका दिया और असली आदमी कोई और ही है। हाँ, शायद ये फोटो कहीं से काटा है, किसी मैगजीन वगैरह में छपी होगी ये फोटो। आप इसमें से असली आदमी की फोटो निकाल सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे आधे घंटे के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो? देखो चंदावत को हमने अकेला छोड़ा तो उसने किसी दूसरे आदमी का फोटो चिपका दिया, अब तुम कहीं। अरे नहीं यार, मैं ऐसा क्यों करूंगा। अच्छा आओ, तुम भी बैठ जाओ मेरे साथ यहाँ। नहीं नहीं ठीक है, तुम करो। सर चंदावत का खून इसलिए हुआ था क्योंकि उसने खूनी का चेहरा देख लिया था, उसने देख लिया था कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है। मतलब जिस आदमी ने चंदावत को मारा उसी ने पहला खून भी किया? हाँ सर, जब चंदावत ने खूनी का असली चेहरा देख लिया तो सबसे पहले तो उसने किसी और आदमी का चेहरा चिपका के हमें दे दिया और खुद निकल पड़ा असली खूनी के घर की तरफ।
शायद उससे पैसे मांगने के लिए, और शायद ज्यादा पैसे मांगे होंगे। इसीलिए खूनी ने सोचा सर कि जहां एक आदमी को मारा वहां दूसरे को मारने में क्या नुकसान है। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि चंदावत ने पहले से ही कंप्यूटर में से दिल निकाल के छुपा दिया है। खूनी ने सारे कंप्यूटर तो जला दिए मगर कंप्यूटर का दिल बच गया, वो हार्ड डिस्क। अब सर ये बाजीराव असली खूनी का चेहरा बता दें तो अच्छा है। सर बाजीराव ने खूनी का चेहरा निकाल दिया। ये लो भाई, बस इतना ही बना सका हूं। अरे पर ये तो इसमें तो चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले वाले में कम से कम दिखाई तो पड़ रहा था कि कौन है। पहले वाले में इसलिए दिखाई पड़ रहा था क्योंकि ये चेहरा नकली है। इस पिक्चर में से बस मैं इतना ही निकाल सकता हूं। तो फिर तुम्हारे पास आने का क्या फायदा हुआ? अरे पहले तो इस गाड़ी के अंदर क्या है बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब तो कम से कम आधा चेहरा तो निकाल दिया है। इस आधे चेहरे को लेके मैं क्या करूंगा, चाटूंगा? अरे इतना बड़ा कंप्यूटर लेके बैठे हो, कुछ तो कर सकते थे। ये कंप्यूटर है, जादू का डब्बा नहीं है। अरे फिर भी देखो आजकल कंप्यूटर में कुछ भी कर सकते हैं, समझे? हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हैं। अब समझ लो कि मैं गधा हूँ, बस। सर इस आधे फोटो से भी काम हो सकता है सर, भागते चोर की लंगोटी से हम इसे साल बिल्कर के स्टूडियो में ले जा सकते हैं। वो अच्छा आर्टिस्ट है, वो ये चेहरा पूरा बना देगा। करीब करीब ऐसा ही रहा होगा, इससे और कुछ नहीं हो सकता। स्केच हो गया सर। फैंटास्टिक, वेरी गुड। अगर इस स्केच की मदद से वो आदमी पकड़ा गया ना तो मैं आपको एक पार्टी दूंगा अपनी जेब से। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। वैसे पुलिस वालों से पार्टी लेना कोई मजाक बात नहीं है। वो तो है, मगर सर ये आदमी हो कौन सकता है? ये स्केच जाखवा को दिखाओ, उसने इस आदमी का चेहरा देखा होगा। शायद ये वही आदमी है जो जाखवा से पैसे लेने के लिए आता होगा। हाँ, ये वही आदमी है जो मेरे से पैसे लेके जाता था। क्या ये पकड़ा गया? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं? हेलो, जाखवा बोल रहा हूं। क्या ऐसे? अरे यार मैं सोच रहा था नाविश मर गया तो ये खत्म हो जाएगा पैसों का चक्कर। नहीं नहीं नहीं, मैं अब किसी को पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैंने सब कुछ, हाँ हाँ, पैसे नहीं दूंगा। क्या और फोटो है? किसके पास? तुम्हारे पास? अरे यार तुम तो नाविश के लिए काम कर रहे थे, अब तुम भी शुरू हो गए? अब क्या तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। बताओ कहां पर ले आऊं? मुंजी पार्क में। कितने बजे? रात को 11:30 बजे। हाँ ठीक है, मैं ले आता हूँ। ये वही है, 5 लाख रुपए मांग रहा है। कह रहा है रात के 11:30 बजे मुंजी पार्क में बैग में पैसे रख के वहां से चुपचाप निकल लो। ठीक है, तुम पैसे वहां पे रख दो। आप लोग वहां रहेंगे ना? नहीं, मेरे दिमाग में एक दूसरा प्लान है। तो क्या मेरे पैसे गए? हाँ। Thank you.
बैग पड़ा है। आसपास कोई है? नहीं कोई भी नहीं है। बैग उठा लो फिर। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पैसे लेकर आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ, मुझे टेंशन हो रही है। चारों तरफ शांति है, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे। कुत्ते भौंकने से क्या मतलब है अब तुम्हारा? मतलब है, जब कुत्ते नहीं भौंकते तब पुलिस आती है। नाभीश की लाश को फेंक रहा है वो मैं हूं। वो हमारे पीछे ही पड़ गया, हमारे से पैसा मांगने लगा और कहने लगा कि मैं पुलिस को बता दूंगा कि खून किसने किया। हमें उसे मारना पड़ा। अगर तुम गलती से नाभीश की लाश एटीएम सेंटर के सामने ना फेंकते तो शायद कभी पकड़े नहीं जाते।